हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई एम स्कुतवाने, यू आर वाचिंग एसके व्लॉग्स। तो फिलहाल हमने स्नान वगैरह कर चुके हैं हम, और बाकी हमारी रोटियां वगैरह बन चुकी है, सब्जी बन चुकी है, सब कुछ बन चुका है। अभी खाना खा लेते हैं, और बाकी सूर्य उदय हो चुका है आज, बादल वगैरह बिल्कुल नहीं है, मौसम एकदम मस्त और साफ हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये रहा हमारा सूर्यदेव रहे हमारे, और बाकी देखो मौसम एकदम साफ है, आसमान इतना स्काई मतलब कि ब्लू हो रहा है, इतना मस्त हो रहा है। चलो बाकी अंदर चलते हैं, आपको दिखा देते हैं। खाना हो गया है हमारा, है ना। आजकल पता नहीं रोटियाँ अजीब टाइप से बन रही है, सही नहीं बन रही यार। बाकी पिताश्री जी इधर खड़े हैं, एंड रोटियाँ ये देख लो अजीब टाइप से जल जाती है और फूलती भी नहीं है, शायद आटा गड़बड़ है थोड़ा, है ना। चलो कोई बात नहीं। और बाकी हमारी सब्जी बन चुकी है, वही सेम सेम सेम, है ना। तो चलो खाते हैं खाना। तो गाइस फिलहाल पापा तैयार हो चुके हैं लगभग, है ना, और इधर सभी तैयार हो रहे हैं, है ना। ये देखो सभी तैयार हो रहे हैं भाई, इधर बर्तन धो रहे हैं। चलो तो आज फिलहाल पापा ने शूज़ वगैरह पहन लिए हैं, तैयार हैं, और ये फ़ोन थोड़े से साफ कर रहे हैं, है ना। और बाकी बस अभी सर का कॉल आ जाएगा, नथुराम जी का, एंड पापा चले जाएंगे स्कूल, है ना। तो चलो फिर। तो गाइस फिलहाल पापा जी आ चुके हैं वापस, एंड बस अभी चलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, है ना। खाना वाना खाएंगे और देखते हैं क्या है आज, कुछ है अभी तो कुछ भी नहीं है, तो चलो रहने देते। जन्म और बाकी ये आसिम ने लिखे थे कल, आज तो आसिम आया नहीं है, ये सब संभाग वगैरह लिखे थे और तो कुछ है नहीं। ये क्या चौहान वंशज, अरे भाई साहब ये देखो हमारे पूरे घर का नाम लिख दिया ये आसिम ने, वाह भाई चौहान वंशज बना दिया, ऐसे चौहान है हम भी। चलो कोई नहीं। तो बस फिलहाल देखिए खाना वगैरह खा लिया, अभी जस्ट खाया खाना, है ना। पापा इधर बैठ चुके हैं, एंड अभी थोड़ी देर में कॉपियाँ चेक वगैरह करेंगे। बाकी रोटियां तो खा ली है, अब बर्तन धो देता हूँ मैं, है ना, बिकॉज ज़्यादा टाइम रखने से ख़राब होते हैं, इसलिए धो देता हूँ। बाकी थोड़े से बादल वगैरह आ चुके, सुबह तो बिल्कुल भी नहीं थे, एकदम बिल्कुल साफ था, अब थोड़े से बादल वगैरह आ रहे हैं, है ना। बाकी सूर्य तो काफ़ी तड़की है भाई, तेज़ है ना, धूप काफ़ी तेज़ है। तो चलो धो देता हूँ बर्तन, फिर देखते हैं क्या होता है, कोई आता है या नहीं आता, आज तो मुश्किल आएंगे आसिफ वगैरह, रीज़न इज सिंपल कि वो शादी में चला गया होगा अब तो, है ना। तो चलो गाइस देखिए। तो गाइस आज कुछ है ना व्लॉग बनाने का आइडिया नहीं मिल रहा था, तो पापा बोल रहे हैं कि ये दिखाओ वो दिखाओ, सब कुछ दिखा दो, जो हकीकत है वही दिखानी है। अब क्या दिखाएं बताओ, हकीकत ही है सब कुछ, दिखाएं क्या, दिखा चुके पापा को, आप देख चुके हैं। वैसे आज थोड़ा सा है ना क्या कहते हैं, कभी नीम को दिखा दो, नीम डाकाए वो उधर, हाँ और हमारे पास BSNL टावर भी है, हाँ उसको भी दिखा दो, हमारा है देख लो गाइस, हाँ बिल्कुल खरीद लिया आपने, खरीद लिया है। और बाबा का मंदिर है, हाय हाय, उसका तोरण द्वार तो काय जगह बना है पूछो, ओए होए होए, और अंदर वाचनालय बना है लेकिन वाचन होता नहीं है, हाँ बंद रखा हुआ है, बंद रखा है ताकि कोई अंदर ना जाए, बंदर खा जाएगा। और रात को गाइस बिल्कुल अच्छा अच्छा पानी आया, हाँ टाका भर गया गाइस, मैं बताता हूँ आपको, है ना, मतलब अब टाका एकदम फुल हो गया लगभग, है ना। और आज दिन में क्या है कि बहुत ज़्यादा धूल आंधी चल रही थी, तो कचरा भी आया थोड़ा, क्योंकि थोड़ी देर खुला रह गया था ये, है ना टाका, तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख लो भाई, ये देखो लगभग इतना भर गया है ना, मैं भी दिख रहा हूँ, और कचरा ये देख लो आसपास थोड़ा थोड़ा आया, ज़्यादा तो नहीं, लगभग साफ है पानी, है ना, ये और मीठा भी है उस पानी से, पहले वाला पानी था उससे मीठा है, तो सुबह जो मतलब स्नान किया था ना उसमें भी फ़र्क था। और बाकी देखो इधर बादल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लगता है बारिश फिर से होगी, दो दिन पहले ही बारिश हुई थी थोड़ी सी रात को, है ना, मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि मैंने वीडियो एंड कर दिया था, है ना, तो इसीलिए। और गाइस जो पापा बोल रहे थे ना कि इसमें दिखा दो है, तो पापा को भी पता नहीं है कि इसके अंदर मैंने क्या रखा है, मैंने खुद के जो पुराने शूज़ थे, है ना, यही पहनता हूँ, वैसे पहनता है ना, यही नए पुराने सब है, तो मैं इसके अंदर रख देता हूँ, क्योंकि बाहर देखो मैं जाता ज़्यादा हूँ नहीं, तो गंदे हो जाते हैं और धूप के अंदर रंग भी चला जाता, तो इसके लिए इसमें रख दिए, और नीचे वाला तो खाली है, इसमें भी कुछ रख देंगे जब मतलब यूज़ नहीं होगा ना कुछ, तब ये खाली है बिल्कुल, बाकी तो कुछ है नहीं। और ये देखो गाइस ये प्याज है सारे, जो कि पूरी तरह से पता नहीं, ये धूल आती है बहुत ज़्यादा, अब क्या करूँ बताओ, ये वापस से
अब देखो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, घर से लेकर आए थे है ना, मम्मी ने डाल दिए थे तो ये वाले। तो फिलहाल क्या हुआ कि अभी अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, और बाकी मतलब मैं यही पूछ रहा था कि भाई मतलब उसका क्या करना चाहिए, जो प्याज है ना उनको कैसे रखना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे सड़ जाएंगे ऐसे मतलब फर्श में पड़े पड़े तो है ना, और फिर फर्श भी खराब हो जाएगा। तो आप बताना कोई सजेशन दे रहा कि इनको कैसे रखा जाए कि मतलब सड़े वगैरह ना, है ना। तो देखता है कि तो हम भी कुछ सोचते हैं। बाकी ये वाले देखो गाइस, मैंने मतलब जो होते हैं ना रिमाइंडर के लिए पेज, जहाँ पर हमने छोड़ दिया था पढ़ते पढ़ते, वहाँ पर ये लगा रखे मैंने, है ना। इसके अंदर तीन चार सब्जेक्ट है, तो मैंने तीन लगा रखे है ना। और ये सारे जो थे वो सुरेंद्र विदाई समारोह के अंदर है ना, इसको मिले थे, उस जो फाइल वगैरह सभी थी ना उनको बांधा हुआ था इसी से। तो मैंने सोचा यार सुंदर काफ़ी है, तो इसको ऐसे बना देते हैं यार, वैसे कुछ ना कुछ बना देना चाहिए। देखो इधर मैंने बना रखा ये वाला है, जो ये हमारा क्या कहते हैं साइंस का है ना, इधर सीधा साइंस खुलेगा। और इधर ये वाला है जो फर्स्ट राजस्थान जीके का है, ये वाला ये, एंड ये हमारा पशुपालन हरे वाला है ना, ऐसे ही चल रहा है बस। बाकी पापा इधर समथिंग समथिंग रीडिंग रीडिंग और बस। बाकी ये भी आ चुके हैं घर फिलहाल है ना। बाकी कैसा रहा आज का दिन? मस्त एकदम, वैसे थक तो जाते होंगे कि दिन भर मतलब बहुत खतरनाक काम होता है। देखो कितने मतलब कपड़े भी हो जाते हैं, मतलब बहुत खतरनाक काम है भाई जो भी इनका, तो वो है कलाकृति वाला, तो इसीलिए ना वो क्या कहते हैं वो होता है ना एक खंख से हो जाता है, मतलब जो पत्थर की पुट्टी होती है उससे रोग होता है ना, क्या नाम है उसका, सिलिकोसिस शायद ऐसा ही है ना, डिजाइन वाला काम है ना, तो इसीलिए हो जाता है यार, दिक्कत बहुत है इसके अंदर है ना, फिर भी करना तो पड़ता है सभी को, कुछ ना कुछ करना तो पड़ता ही है। चलो तो गाइस फिलहाल देख सकते हैं चींटियों का हमला वापस हो चुका है ना, ये वापस आने लग गई यार, इतने दिनों तक तो नहीं आ रही थी। बाकी ये देखो अभी बारिश हुई थी ना थोड़े दिन पहले, तो ये मतलब पंख वाली चींटियाँ भी निकल रही है, जो बूढ़ी हो जाती है तो इनके पंख निकल जाते हैं सब बोलते हैं है ना। तो ये है, और मेरे ऊपर चढ़ गई भाई, ओ भाई साहब निकलो यहाँ से है ना, ये काटती बहुत खतरनाक। जैसा कि आप सभी को पता है डेली हम मतलब खाना नहीं पकाते इस टाइम है ना, और खाते भी नहीं है, बट आज क्या हुआ कि सुबह मतलब कम रोटी बनाई थी और मैंने सोचा अब थोड़ी सी कम खाऊंगा, लेकिन आज क्या है कि भूत बहुत ज़्यादा भूख लग गई है ना, लाइव करते करते ही भूख लग गई थी खतरनाक वाली, तो लाइव ख़त्म करते ही चावल बनाए फटाफट से, चावल बनाए और अभी खाया जस्ट है ना, अभी सब खत्म कर दिए है जस्ट अभी खाए, तो अभी बर्तन धो देता हूँ एंड बस, और तो कुछ नहीं। तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। गुड नाइट, बाय बाय, सी यू टुमारो।